क्या आपने कभी स्पोर्टिंग इवेंट पे होने वाले मैक्सिकन वेव्स को देखा है? ये इफेक्ट पूरे स्टेडियम में देखने को मिलता है, जबकि कोई भी अपनी सीट से मूव नहीं करता। ठीक इसी तरह सभी वेव्स में भी एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है, जबकि मैटर ट्रांसफर नहीं होता। वेव्स किसी मीडियम में डिस्टर्बेंसेस या वाइब्रेशंस के जरिए प्रोड्यूस की जाती हैं। वेव्स एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और एम्प्टी स्पेसेस या वैक्यूम में भी एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। वेव्स जनरली दो प्रकार की होती हैं, उन्हें हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उन दोनों ही वेव्स के बेसिक फीचर्स सेम होते हैं। ये चार वर्ड्स वेव्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। आइए इन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड टाइम इंटरवल में पास होने वाली कंप्लीट वेव्स की नंबर होती है। फिक्स्ड टाइम पीरियड यूजुअली 1 सेकंड का लिया जाता है। एक कंप्लीट वेव कुछ इस तरह की दिखती है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी 5 होगी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल एफ है और इसका मेजरमेंट हर्ट्ज में किया जाता है। हर्ट्ज प्रत्येक सेकंड में कंप्लीट साइकल्स का मेजरमेंट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैक्सिकन वेव में प्रत्येक सेकंड में कितने लोग खड़े होते हैं? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में लोग अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं। फ्रीक्वेंसी बताती है कि कोई इवेंट कितनी बार हो रही है, जबकि किसी इवेंट में लगने वाले टाइम को पीरियड कहते हैं। किसी वेव के एक साइकिल कंप्लीट होने में लगने वाले टाइम को पीरियड कहते हैं। मैक्सिकन वेव में किसी एक व्यक्ति के खड़े होने और बैठने में लगा टाइम पीरियड है। पीरियड को सेकंड्स में मेजर किया जाता है। जब कोई इवेंट बार बार रिपीट होती है तो उस इवेंट को हम पीरियोडिक कहते हैं। इवेंट रिपीट होने के साथ साथ टाइम भी रिपीट होता है। सन की ऑर्बिट में अर्थ का पीरियड 365 डेज का है। एक दिन का पीरियड 24 घंटे का है। आपकी स्कूल क्लास का पीरियड 45 मिनट होगा। वेवलेंथ किसी वेव के एक पॉइंट और दूसरे वेव के ठीक उसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। ये दोनों पॉइंट्स किसी वेव के दो कंसेक्यूटिव ट्रॉफ्स या पीक्स पे होंगे। वेवलेंथ का सिंबल ग्रीक लेटर लैम्डा है और इसे यूजुअली मीटर्स में मेजर किया जाता है। डिफरेंट वेव्स की वेवलेंथ्स में अत्यधिक डिफरेंस होता है। एक्सरे की वेवलेंथ्स बहुत छोटी होती हैं, वहीं विजिबल लाइट की वेवलेंथ्स इंटरमीडिएट होती हैं और एफएम रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी, पीरियड और वेवलेंथ डिस्कस किया। आइए अब हम एम्पलीट्यूड देखते हैं। अपनी ट्रेवलिंग में वेव्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती हैं। एम्पलीट्यूड अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टर्बेंस के बीच की डिस्टेंस होती है। मान लीजिए कि साइलेंट और फ्लैट सी पे कोई वेव आ रही है, तो एम्पलीट्यूड वेव के टॉप मोस्ट पॉइंट और फ्लैट सी के बीच की डिस्टेंस होगी। क्या आप इन वेव्स की लेवलिंग कर सकते हैं? इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कीजिए। ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्टेंस ली गई है और नीचे वाले ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिया गया है। करेक्ट लेबलिंग और आंसर्स